हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बात करने वाला है वेब व्यू के बारे में। तो जनरली वेब व्यू यूज कब होता है? जब आपको कोई भी वेब पेज को उसे अपने ऐप में डिस्प्ले कराना है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो एक्टिविटी होती है एप्लीकेशन के अंदर, उसमें आपको अपने वेब पेजेस को डिस्प्ले कराना है, तो आप वेब व्यू का यूज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगर हो, अच्छे ब्लॉगर, ठीक है, और आप अच्छी खासी कुछ कमाई भी कर लेते होंगे अपने ब्लॉग के जरिए। अगर आपको अपना जो ब्लॉगर का वेबसाइट है उसे भी एप्लीकेशन में जाने देना, यानी कि एप्लीकेशन में अपना जो ब्लॉग है उसे ऐसे ही डिस्प्ले कराना है, तो आप वेब व्यू का यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी ब्राउजर बनाना है, यानी कि वेब ब्राउजर आपको बनाना है, ठीक है, तो फिर भी आप वेब व्यू का यूज कर सकते हो। तो एक काफी सारा इसको वेब व्यू क्लास है जो अपनी एक्टिविटी अपने जो वेब पेज होते हैं उसे डिस्प्ले करवाता है। तो उसका प्रैक्टिकल डेमो करके हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट को वेब व्यू के अंदर लोड कर सकते हो। और काफी सारे जो फंक्शनलिटी वेब व्यू प्रोवाइड करता है, वो सारी फंक्शनलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो में बने रहना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इधर मैंने एक ऑलरेडी एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, यानी उसमें सिर्फ क्या है, ओनली क्रिएट किया है। उसका नाम मैंने रखा है वेब व्यू डेमो, और यहाँ क्या है, हमारी मेन एक्टिविटी है, और उसके बाद क्या है, उसका जो लेआउट है वो है। तो अब हमें करना क्या है, तो कि वेब व्यू का यूज करना है और एक वेबसाइट को हमें इसमें लोड कराना है, ठीक है। तो किस तरह से पॉसिबल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले तो यहाँ कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव लेआउट हो गया, अब टेक्स्ट व्यू की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमें करना क्या है, हमें वेब व्यू का यूज करना है, तो इसके लिए हमें वेब व्यू कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, यानी वेब व्यू कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। तो उसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर देते हैं, और हाइट भी मैच पेरेंट कर देते हैं। अब वेब व्यू की जो हाइट और विड्थ होती है ना, वो आप अपनी तरह से इसे सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको अपना जो वेब पेज है और वेबसाइट है उसे अपनी एप्लीकेशन में किस जगह और किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, यानी कि कौन से पार्ट में डिस्प्ले कराना है। जनरली हमारा जो वेबसाइट है हम पूरी स्क्रीन में ही डिस्प्ले कराते हैं, इसलिए मैंने इधर मैच पेरेंट कर दिया, यानी कि हाइट एंड विड्थ जो है उसे मैंने मैच पेरेंट कर दिया। अब इसकी आईडी भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, आईडी वेब व्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, अब इसमें हमें एक वेबसाइट को लोड करवाना है, ठीक है। तो लोड करवाने के लिए इसके पर्टिकुलर क्लास में हमें जाना है। तो अब ये जो लेआउट है हमारा वो किस क्लास के साथ बाइंड किया गया है, तो इधर आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट में डॉट मेन एक्टिविटी कंट्रोल के साथ इधर आप क्लिक करोगे तो अपना जो क्लास है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब वेब व्यू का यूज हमें करना है, तो उसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं वेब व्यू, ओबीजे वेब व्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने वेब व्यू क्लास का क्रिएट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, यानी कि ओबीजे डॉट सॉरी ओबीजे वेब व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट वेब व्यू। अब ये जो वेब व्यू आईडी है वो तो आपको पता ही है, अभी हमने एक्सएमएल फाइल में जो ये आईडी दी है उसे मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो वेब व्यू की मेमोरी एलोकेट हो गई। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपना जो वेबसाइट है उसे लोड करवाना है, यानी कि पहले तो हम गूगल की जो साइट है उसे अपने वेब व्यू में लोड करवाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ऑफिस वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल मेथड है, वो यूज होता है अपने वेब पेज का एड्रेस डाल के लोड करवाने के लिए, ठीक है। तो इधर आपको एड्रेस देना पड़ेगा https, इधर आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली google.com लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, इसलिए https google.com देन स्लैश कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब लोड होने का काम खत्म हो गया। तो ये लोड का काम खत्म हो गया, अब क्या करना है, ये तो हमारा जो वेबसाइट है वो लोड हो गया, लेकिन वेब पेज कोई भी वेब पेज हो वो कब ओपन होगा, अगर आपके फोन में इंटरनेट है तो ही वेब पेज लोड होता है और ओपन होता है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो वो लोड नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे मोबाइल में डेटा ऑन होना चाहिए, वो पहली थिंग है, ठीक है। और दूसरा क्या, हमें उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैनिफेस्ट फाइल में हमें इंटरनेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर हम एप्लीकेशन टैग के ऊपर यूजर्स परमिशन करके इंटरनेट की परमिशन ले लेते हैं, तो ये परमिशन हमने एड कर दी, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा,
ग्रेडल बिल्ड रनिंग, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। तो काफी सारे एरर्स आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंसी एंड्रॉइड कैप कॉम्पैक्ट रिसोर्सेज 146 रिक्वायर लाइब्रेरी, यानी कि 32 करना पड़ेगा। तो ठीक है, ग्रेडल में चले जाते हैं डायरेक्टली हम। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कंपाइल एसडीके उसे 33 कर देते हैं और टारगेट को भी 33 कर देते हैं और फिर से सिंक कर देते हैं। ठीक है, तो सिंक हो गई, अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं। वो जो एरर था वो वेब व्यू का एरर नहीं था। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन में जो है वो गूगल लोड होके आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सक्सेसफुली वेब व्यू को डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि ओनली दिस लाइन के लिखते ही हमारा जो URL है google.com वो इधर हमारा पेज एप्लीकेशन में लोड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो इधर हम लिखेंगे, अब मैं लिखता हूँ एसके प्रोग्रामिंग। तो एसके प्रोग्रामिंग सर्फ हुआ हमारे एप्लीकेशन में। अब मैं इधर एसके प्रोग्रामिंग पर क्लिक करता हूँ, ये जो है वो एक्सटर्नल ब्राउजर में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल ब्राउजर में यूज नहीं करना है, हमारे तो जो गूगल है वो हमारे एप्लीकेशन में ही ओपन होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो फिर से ये जो लोड हुआ तो वो डायरेक्टली एक्सटर्नल ब्राउजर में चला जाता है, यानी कि वो ब्राउजर में ओपन हो रहा है google.com, हमारे एप्लीकेशन में ओपन नहीं हो रहा है। वेब व्यू डेमो का टाइटल है उसमें लोड होना चाहिए ना, वो लोड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक सेटिंग करना पड़ेगा, यानी कि कुछ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कोड क्या है, तो वो लिख देते हैं हम ओबीजे वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू, सेट वेब व्यू क्लाइंट, उधर आपको डालना है न्यू वेब वेब व्यू क्लाइंट। ठीक है, ऐसा करते ही अब क्या होगा, जो चीज आप लिखेंगे वो आप जो चीज आप सर्च करेंगे वो आपके एप्लीकेशन में ही सर्च होगा। तो आप देख सकते हो गूगल अब हमारे एप्लीकेशन में दिख रहा है। ठीक है, वो लाइन पहले मैंने नहीं लिखी थी इसलिए वो डायरेक्टली बाहर जा रहा था। इसे मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ, डिफरेंस बता दूँ, देखिए इधर वेब व्यू देन गूगल है। ठीक है, तो इसे मैं अब ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने, अब फिर से इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। वेब व्यू तो ओपन हुआ लेकिन गूगल वो डायरेक्टली कहाँ बाहर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि कुछ ब्राउजर में डायरेक्टली वो रिडायरेक्ट हो रहा है, तो वो रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे मैं बैक कर दे रहा हूँ। देखो इधर ही लोड होना चाहिए लेकिन इधर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको इधर लिखना पड़ेगा ओबीजे वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट और इनर ब्रैकेट में आपको न्यू वेब व्यू क्लाइंट करना पड़ेगा, तभी आपका जो ब्राउजर है यानी कि आपका जो वेब पेज है वो आपके एप्लीकेशन में शो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया शो। अब इधर मैं सर्च करता हूँ एसके प्रोग्रामिंग और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो एसके प्रोग्रामिंग इधर ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इधर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो आपके ब्राउजर में देखो वेब व्यू डेमो हमारे एप्लीकेशन का टाइटल है, तो ये हो रहा है। ठीक है, तो एसके प्रोग्रामिंग जो है वो जबरदस्त एप्लीकेशन है, मैंने ही बनाया है, ये स्क्रीनशॉट अभी अपडेट नहीं हुए है। अब काफी सारे कोड इसमें है मेरे एसके प्रोग्रामिंग ऐप में, आप उसे डाउनलोड कर लो और उसमें भी आप काफी सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी गेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर से बैक देता हूँ। जैसे ही मैंने बैक प्रेस किया तो हमारी एप्लीकेशन वो क्रैश हो गई, देखा ना आपने क्या हुआ, जैसे ही मैंने बैक प्रेस किया तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। फिर से आपको देखाता हूँ, मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारा जो गूगल है वो एप्लीकेशन में शो हो रहा है। ठीक है, अब इधर मैं सर्च करता हूँ एसके प्रोग्रामिंग और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये न्यू पेज खुला। ठीक है, अब इधर मैं नीचे जाके बैक करता हूँ तो जैसे ही मैं बैक करूंगा तो हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, क्रैश हो जाएंगी। ये देखो क्रैश हो गई, अरे वाह ये क्या हुआ। तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किस मेथड से हम हमारा बैक प्रेस का जो बटन है उसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता ही होगा कि ऑन बैक प्रेस मेथड आता है, तो इधर लिखते हैं ऑन बैक प्रेस, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वेब व्यू जो है वो कैन गो बैक नाम की एक मेथड प्रोवाइड करता है, जिसमें वो अगर वेब व्यू जो है वो गो बैक जा सकता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं जा सकता तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब
वेब व्यू बैक जा सकता है तो हमें उसे पीछे यानी कि बैक बटन यूजर को क्या करना देना है, प्रेस करने देना है। अगर वेब व्यू बैक नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को एग्जिट करना है, यानी कि यह स्टैक एक मेंटेन करता है। क्या करता है, स्टैक मेंटेन करता है। पहले हमने एस्केप प्रोग्रामिंग ओपन किया तो पहला वाला जो गूगल था उसके ऊपर आ गया एस्केप प्रोग्रामिंग। अब एस्केप प्रोग्रामिंग पर मैं बैक प्रेस करूंगा तो हमें कहां जाना है, हमें फिर से गूगल पे जाना है। तो अगर एक स्टैक में कोई भी वैल्यू है तो यह वन रिटर्न करेगा यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इधर हमें लिखना है इफ ओबीजे वेब व्यू यानी कि हमारा वेब व्यू डॉट कैन गो बैक मेथड है, ठीक है, कैन गो बैक। ये क्या रिटर्न करता है, अगर वेब व्यू गो बैक कर सकता है यानी कि उसके स्टैक में कोई अदर वैल्यू अवेलेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब भी ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करे तो हमें क्या करना है, हमें गो बैक जाना है। इसके लिए ओबीजे वेब व्यू डॉट गो बैक, ठीक है, अदरवाइज हम एल्स पार्ट में लिख देना है सुपर वाला मेथड। तो एल्स आ गया, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी कट पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक प्रेस का हो गया, ठीक है। तो इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये गूगल ओपन हो गया। इधर मैं एचके प्रोग्रामिंग सर्च करता हूं, तो एचके प्रोग्रामिंग ओपन हो गया। अब इधर से मैं ब्रेक प्रेस दे रहा हूं, ठीक है, बैक प्रेस। तो ये फिर से गूगल ओपन करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन है जो क्रैश नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हो इजीली कि गूगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन में वेबसाइट को आप URL के थ्रू लोड करा सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, काफी ये जो है अभी गूगल का पूरा पेज जो है वो लोड नहीं हुआ, ठीक है। यानी काफी सारी ऐसी भी वेबसाइट होगी वो लोड होने में देर लगते है, तब तक यूजर कई सारे क्लिक कर चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रेस बार लगाना पड़ता है। तो आपको मैं उसको भी कैसे लगाते हैं उसका कोड भी लर्न कराता हूं, ठीक है। तो फिर से हम एक्टिविटी मेन में जाते हैं, हमें प्रोग्रेस बार का यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें प्रोग्रेस बार को लेना पड़ेगा यानी कि डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रेस बार आ गया। अब उसकी हाइट विड्थ सेट करनी है, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप में क्यों नहीं आ रहा है भाई, आजा। इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, मैच पेरेंट नहीं चाहिए भाई, रैप कंटेंट चाहिए मुझे। तो इसे कॉपी कर लिया फिर से मैंने और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब तो ये जो प्रोग्रेस बार है वो इधर शो हो रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए इधर वेब व्यूअर है उसके मिडल में चाहिए। तो मिडल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है रिलेटिव लेआउट की, उसे लिखना पड़ेगा एंड्रॉइड लेआउट सेंटर इन पेरेंट इक्वल टू आपको ट्रू कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका जो प्रोग्रेस बार है वो मिडल में आ गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेस बार को आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आईडी दे देते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, आ नहीं रहा, ठीक है। @+id इसको हम दे देते हैं पीजी बार, ठीक है, यानी पीजी बार। तो ये आईडी हमने पीजी बार दे दी। अब क्या करना पड़ेगा, इसकी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी और इधर भी प्रोग्रेस बार को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम वो काम करते हैं, प्रोग्रेस बार पीजी बार, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा, तो उसे भी कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। पीजी बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.pgbar, ठीक है। तो हमारा प्रोग्रेस बार आ गया, ठीक है। अब हमें कब पीजी बार यानी कि प्रोग्रेस बार को शो कराना है और कब प्रोग्रेस बार को हाइड कराना है, तो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इधर मैंने एक कोड लिखा था obj webview.set webview client new webview client, यानी webview client जो क्लास है वो काफी सारे ऐसे मेथड प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि वेबसाइट लोड हो गया या वेबसाइट लोड नहीं हुआ है, या फिर वेबसाइट लोड होना स्टार्ट हुआ है, या फिर वेबसाइट यानी कि पेज जो है वो लोड हो गया है। तो उसके लिए न्यू वेब व्यू क्लाइंट, उसके बाद दो ब्रैकेट है, उसके बाद आपको इधर आके एंटर प्रेस करना है और कर्ली ब्रेस स्टार्ट और एंड कर एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ
ऑन पेज स्टार्टेड लिखना है, ठीक है, ऑन पेज स्टार्टेड, तो ये आ गया। ये कब, ये जो मेथड है वो कब कॉल होता है, ऑन पेज स्टार्टेड, यानी जब भी कोई पेज लोड होना स्टार्ट होता है तब ये जो मेथड है वो कॉल होता है, ठीक है। तो पहले हमें पीजी बार क्या चाहिए, पहले हमें हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो हमें उसकी विजिबिलिटी गॉन कर देनी है, ठीक है। ये जो पीजी बार है उसकी विजिबिलिटी पहले से गॉन होनी चाहिए, तो पहले मैं इधर पीजी बार डॉट सेट विजिबिलिटी कर देता हूं गॉन, इससे क्या होगा कि जब भी हम हमारा वेबसाइट पहले एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो प्रोग्रेस बार की जो विजिबिलिटी होगी वो पहले गॉन होगी, यानी कि पहले वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी थिंग, अब जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, यानी कि कोई भी आइटम को सर्च करते हैं या फिर दूसरा पेज ओपन होगा तब, यानी कि दूसरा पेज ओपन होने में स्टार्ट होगा, ठीक है, तब ये जो मेथड है ऑन पेज स्टार्टेड वो कॉल होगा। तो आपको क्या करना है, जब ये कॉल हो जाए तब आपको पीजी बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, यानी कि आपको विजिबल कर देना है ये मेथड जब कॉल हो तब। तो इधर कर देते हैं पीजी बार डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल, तो ये हो गया विजिबल। अब हमारा वेबसाइट यानी कि वेब पेज जो है वो लोड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी विजिबिलिटी हाइड भी करनी पड़ेगी, वरना क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आप समझ सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक पेज लोड हो रहा है, ठीक है, ये लोड हो ही गया है, फिर भी ये जो प्रोग्रेस बार है वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर ही रहा है, कर ही रहा है। जबकि पेज लोड हो गया है तो प्रोग्रेस बार को क्या होना है, स्टॉप कर देना, यानी कि इनविजिबल, यानी कि हाइड कर देना है। इधर मैं एसके प्रोग्रामिंग सर्च करता हूं, तो आप देख सकते हो ये पेज भी लोड हो गया लेकिन ये प्रोग्रेस बार जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है, तो इसे हमें स्टॉप करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए एक और मेथड है ऑन पेज फिनिश करके। ये मेथड कब कॉल होगा, यानी कि जब हमारा जो पेज है वो लोड होके आ गया, यानी कि पूरा का पूरा पेज जो है वो लोड हो गया है, तब ये मेथड कॉल होता है। तो सुपर डॉट ऑन पेज फिनिश के ऊपर आपको अपने प्रोग्रेस बार को हाइड कर देना है, यानी कि उसकी विजिबिलिटी जो है उसको गॉन कर देना है, ठीक है। ये हो गया एक कोड, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं फिर से, तो आप देख सकते हो गूगल का पेज लोड हो गया। अब इधर मैं लिखता हूं एसके प्रोग्रामिंग, ठीक है, खास देखना पहले प्रोग्रेस बार आएगा और उसके बाद वो स्टॉप भी हो जाएगा, ये सर्च होने जो प्रोग्रेस बार आपको दिखा। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूं, प्रोग्रेस बार दिखा और स्टॉप हो गया। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि इधर मैंने अकाउंट लिंक नहीं किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है।